उत्तर प्रदेश के बरेली में प्लांट विवाद को लेकर शनिवार को हुई गोली कांड को लेकर पूरा प्रदेश दहल गया। और मेरी मौजूदगी उसी गोली कांड उस प्लांट पर देख सकते हैं तस्वीरों। यही करोड़ों रुपए का प्लांट है और इस प्लांट को बिल्डर राजीव राणा इसी प्लांट पर कब्जा करने आया और जो दूसरा पक्ष था यानी कि मार्बल का व्यवसायी उस और इन दोनों के बीच लगातार यहाँ एक घंटे तक फायरिंग हुई। बिल्डर की तरफ से जो राजीव राणा है वो उसके जो आदमी थे जो बदमाश थे वो दो जेसीबी लेके आए तो उन जेसीबी को दूसरे पक्ष के मार्मल का जो व्यवसायी है उसने जला दिया। देख सकते हैं तस्वीरों में यही जेसीबी है इन्हें किस तरह से आग के हवाले किया गया था। कम से कम डेढ़ घंटे तक लगातार यहाँ तांडव हुआ, 100 से ज़्यादा यहाँ गोली दागी गई। सुबह का वक्त था लगभग 6:30 बजे, उसी वक्त राजीव राणा तो अपने 100 आदमियों से लेकर बदमाशों को लेकर इस मार्बल की दुकान यानी कि जो प्लांट है उस पर मार्बल की दुकान बना रखी थी इसी पर कब्जा लेने के लिए लगातार यहाँ तोड़फोड़ की। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक तोड़फोड़ के ये टाइल्स है वो दिखाई देगी। सामने की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो दूसरी जेसीबी जो है वो भी आग के हवाले कर दिया है। दरअसल बताते चले शनिवार की सुबह ही दो पक्षों के बीच जहां पर हिंसा हुई उस हिंसा में लगातार यहाँ कई राउंड फायरिंग चलाई गई। ये हिंसा इस तरह से थी जैसे किसी फिल्मी स्टार की तरह। अगर सामने की मैं तस्वीर दिखाऊं तो आपको डिवाइडर दिखाई दिया जाएगा, उस तरफ बिल्डर राजीव राणा जो है उसके लोग लगातार फायरिंग कर रहे थे, गोलियां दाग रहे थे। इस तरफ से व्यवसायी जो था टाइल्स व्यवसायी जो अपना कब्जा बताता है आदित्य पांडे वो लगातार यहाँ गोलियां दाग रहे थे। ये रोड जो है नैनीताल यानी कि पीलीभीत बाईपास रोड बोलते हैं और यहाँ पर जो आने वाले जो लोग थे राहगीर थे वो उन्होंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, पेड़ों में छुप छुप कर जान बचाई। आसपास के जो लोग थे उन्होंने अपनी घर की खिड़कियां बंद कर दी। अगर मैं सामने की तस्वीरें दिखाऊँ जिस तरह से जो विजुअल्स सामने आए थे जो वीडियो सामने आई थी उसमें एक कार जो थी डिजायर वो रोंदती हुई दिखाई दे रही थी। वो मार्वल व्यवसायी दूसरा पक्ष यानी कि आदित्य उपाध्याय की गाड़ी थी, उन्हीं के बेटे ने राजीव राणा के जो बदमाश थे जो दबंग थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी। और ये सामने की आपको ये रोड दिखाई देगा तस्वीर, इसी से तेज रफ्तार डिजायर गाड़ी आई थी और उसने लगातार जो बदमाश थे वो फायरिंग कर रहे हैं उनके ऊपर सीधी गाड़ी चलाई जिसमें एक बदमाश के पैर की हड्डी टूटी है। इस कुल मिलाकर इसमें 3 से 4 लोग बदमाश घायल थे। 3 बदमाशों का अभी भी पुलिस अभिरक्षा में एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक बार मैं फिर सामने की आपको तस्वीर दोनों देख किस तरह से यहां तांडव किया था। लगातार एक घंटे यहां गोलियां चली थी दोनों तरफ से, 100 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई और जो पुलिस थी उसकी भी यहां कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उसका हस्तक्षेप हाथ सामने आया है। क्योंकि जिस तरह से यहां लगातार गोलियां दागी जा रही हैं तो पुलिस मूक बधिर बनी खड़ी हुई थी, पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जो बदमाश थे उन बदमाशों को पकड़ सके। लगातार गोलियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आए, राहगीरों ने कहीं ना कहीं पेड़ों से छिप छिप के अपनी जान बचाई। जिस तरह से ये पूरी गोली कांड हुआ ये पूरे प्रदेश में इस वक्त सुर्खियों बना हुआ है। वहीं गोली कांड के बाद शासन प्रशासन ने इस मामले को लेकर लगातार यहाँ कानून कार्रवाई के लिए की जो बात कही उसके बाद मुख्यमंत्री ने इसका घटना का पूरा संज्ञान लिया। उसके बाद लगातार पुलिस की तरफ से भी इसमें एक एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर में 150 लोग अज्ञात और 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों दोनों पक्षों के लोगों खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वहीं अगर बात की जाए दूसरे पक्ष का जो आदित्य पांडे उसने भी राजीव राणा समेत भाजपा के पूर्व विधायक पप्पू भड़तौल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है और 150 लोगों को अज्ञात में दर्ज किया। 48 घंटे तक अब तक लगातार यहां कार्रवाई की, उसमें लगभग 18 लोगों को लिए गिरफ्तार कर लिया लेकिन अभी तो मुख्य आरोपी राजीव राणा को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस बार जिस तरह से गोली कांड हुआ उस पर कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। वहीं अगर बात की जाए दूसरे पक्ष की तो उसी तरह घटना से ही आदित्य जो है यानी दूसरा पक्ष जो है वो और उसके बेटे को असला के साथ गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने राजीव राणा की एक फॉर्चुनर लग्जरी कार को भी गिरफ्तार किया है, उस कार पर भाजपा का स्टिकर लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि राजीव राणा किसी एक बड़े भाजपा नेता के संपर्क में थे, उसके बाद इस तरह की जो कार्रवाई की। अगर बात की जाए तो राजीव राणा ने ही एक 6 मिनट का वीडियो वायरल किया है, उसमें स्पष्ट रूप से कह रहा है कि उत्तराखंड की जो मंत्री है रेखा राव उनका पति जो है यानी कि पप्पू गुरधारी वो इस प्लांट पर कब्जा करना चाहते हैं कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं। इस तरह कह सकते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम है। TV9 आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें दिखा रहा है। एक बार मैं फिर तस्वीरें दिखाऊंगी। जो मार्वल की शॉप थी ये प्लांट लगभग 1200 स्क्वायर फीट का प्लांट है, करोड़ों में इसकी कीमत है, इसी को लेकर विवाद हुआ था। जेसीबी आपको नजर आएंगी जली हुई जेसीबी पूरा तोड़ फोड़ के आपके लिए जो मार्वल है कीमती मार्वल है वो टूटा हुआ दिखाई देगा। लगातार पुलिस अब इसमें दबिश दे रही है। पूरे मामले में एक बदमाश के पैर में
गोली मारकर पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी राजीव राणा इसमें फरार है। लगातार इस घटना को लेकर शासन इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उधर एसएसपी बरेली बुले सुशील चंद्रभान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी आरोपी इस पर इसमें बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्य आरोपी राजीव राणा जो है, जिसने फायरिंग की थी, उसके बदमाशों ने फायरिंग की, वो कब गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि यह कब्जे को लेकर इसकी पूरी पट कथा पहले ही एक तरह से की गई थी, और यहाँ के तमाम जो आसपास के हिस्ट्री सीजन है तमाम, उन लोगों ने रात पर दारू पार्टी की, मुर्गा पार्टी की, उसके बाद सुबह 5:30 बजे आकर यहाँ प्लाट पर कब्जा किया। इस पूरे मामले में पूर्व जो थाना प्रभारी है, उन सब 6 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।